साथियों नमस्कार। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अगले कुछ घंटों में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। 12 घंटे से भी कम का समय बचा है, अब तो शाम होने वाली है और जल्दी नतीजे आएंगे। मुझे लगता है 11-12 बजे तक इस बात का पता लग जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल ने जितने भी देखा मैंने, सबने इस बात की संभावनाएं जताई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं खुद कह रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, जो मेरा प्रेडिक्शन था। आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पिछले वीडियोस में मैंने कहा है, जो आकलन मेरा है, उसके आधार पर कांग्रेस को 63 से 68 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 15 से 20 मिलेंगी, निर्दलीय को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जेजेपी इनेलो बसपा को का खाता खुलेगा, इसकी संभावना कम है। बसपा को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन बाकी जेजेपी और इनेलो की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। खैर, आज जो सवाल है वो बड़ा सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि वो तो लगभग तय हो चुका है, वो नजर भी आ रहा था ग्राउंड पर और वो अब कल स्पष्ट हो जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, अगर एग्जिट पोल सही है, मैं सही हूं, गलत नहीं ठहरता, तो क्या कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में समूचा चुनाव अभियान जो है हरियाणा में चलाया गया। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद में भी सारी चीज जो कुछ केंद्रित होने वाली है वो भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द होने वाली है, ये तय है। दरअसल इस पूरे इलेक्शन में टिकट वितरण, किस उम्मीदवार को कैसे लड़ाया जाए और कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रहे, ये बहुत कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने तय किया। एक बड़ा वर्ग हरियाणा का ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा है, जो चाहता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ये उनके लिए ये आखिरी मौका होगा कि जब मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी विरोधाभास की पार्टी है, माने आप सबको याद होगा कि भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तय था कि भजन लाल बनेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बन गए, तो कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भजन लाल जी वाला खेला ना हो जाए। दीपेंद्र हुड्डा की भी संभावनाएं लोग जताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन एक बात जो आप लोगों से साझा जरूर करना चाहूंगा कि यह सच्चाई है कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी के नाते रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं और बड़ा बड़ा परिवार है उनका, वो सारे लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी की पत्नी, दीपेंद्र हुड्डा जी के और जो साथी हैं, सारे लोग चाहते हैं कि दीपेंद्र जी बने। तो अब पिता पुत्र का एक अलग तरह का संबंध होता है। एक बात ये सच है कि हरियाणा की पूरी राजनीति विरासत की राजनीति है, उसमें भले बंसीलाल जी का परिवार हो, भजनलाल जी का परिवार हो, देवीलाल जी का परिवार हो, इधर हुड्डा जी का अपना वो चौटाला परिवार हो, सब परिवार की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए, तो हरियाणा की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने वाले भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, नो डाउट। वो उनका जो अपना अनुभव है, जो उनकी शख्सियत है, वो बड़ी विशाल है, वो सबको जोड़ के रख सकते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में खास तौर से जो गांधी परिवार है, वो ये जानता है कि जो G23 में जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी थी और बड़ी भूमिका इन लोगों ने निभाई थी सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष होने पर, फिर उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इन लोगों के सवालों से जिस तरह से गांधी परिवार घिरा हुआ था, तो एक बात तो सच है कि राहुल गांधी उतना, खास तौर से सोनिया जी, उतना यकीन नहीं कर पाती भूपेंद्र जी पर। माने यकीनियत का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से गद्दारी करने वाली बात,
बात यह है, यकीनियत का मतलब यह है कि वो गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहेंगे, यह दूर दूर तक नहीं दिखता। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस तरह के लोकतंत्र का सम्मान करती है। तमाम नेता ऐसे हैं, अशोक गहलोत हैं, भाई आप गांधी परिवार का सम्मान करिए चाहे मत करिए, आप कांग्रेस पार्टी की इज्जत करिए। तो ये बात कांग्रेस पार्टी में ये होता भी है, तो ऐसा नहीं है कि उनका अपमान करेंगे। देखिए अशोक गहलोत को पूरा घोषणा पत्र हरियाणा का उन्होंने ही बनाया था। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं कि उनसे गांधी परिवार नाराज है, कोई नाराजगी नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, और मुझे लगता है भूपेंद्र जी की संभावनाएं ज्यादा है। अब एक नाम आता है कुमारी शैलजा का। देखिए शैलजा जिस तरह से इलेक्शन के बीच में नाराज हुई, टिकटों का वितरण निसंदेह भूपेंद्र हुड्डा के जिम्मे पर दे दिया गया था, तो शैलजा जी को बुरा लगा होगा। और शायद नाराजगी यही थी कि 2 हफ्ते तक एकदम शांत रही, चुनाव अपने उफान पर चढ़ रहा था, शैलजा जी एकदम शांत होकर नीचे उतर रहे थे। खैर राहुल जी ने बहुत सम्मान के साथ उन्हें मनाया, मिली मल्लिकार्जुन जी से मिली, उसके बाद तमाम डिसीजंस में वो हमेशा होता है कि सोनिया जी शैलजा जी से राय जरूर लेती है और उनको बताती, कभी ऐसा नहीं करती है कि उनको साइडलाइन करें, एकदम नहीं करती है। छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य का मतलब, बड़े राज्य का मतलब इस ढंग से कि वहां पे सत्ता थी, वहां का प्रभारी कुमारी शैलजा को बना दिया गया था जबकि कांग्रेस की सरकार थी। यह दिगर है कि शैलजा के प्रभारी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई वहां से, क्यों हारी थोड़ी देर में बताते हैं। कुमारी शैलजा का भूपेंद्र हुड्डा से नहीं पटता, ये बात तो सब जानते हैं। दलित नेता है, 20-22% हरियाणा की आबादी है, तो कांग्रेस पार्टी उनको एक मौका देकर के ये साबित कर सकती है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश को ये संदेश दे सकती है कि हम किसी दलित नेता के साथ हैं। लेकिन ये जनापेक्षी नहीं होगा, दलित मतदाता जरूर स्वागत करेंगे इसका, देश भर के करेंगे, महिलाएं भी स्वागत करेंगी कि महिला को नेतृत्व मिला। लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है, भले वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात हो चाहे पिछड़ी सवर्ण जातियों की बात हो, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। शैलजा में जो थोड़ा सा अहंकार का भाव है वो अक्सर दिख जाता है, उसका बड़ा नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ता है, सांसद है भाई, उसके बावजूद वो अपने भीतर वो लचीलापन नहीं ला पाती। मुझे नहीं लगता है कि शैलजा डिप्टी सीएम का कोई जैसा कोई पद संभालेगी। यह हो सकता है कि कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर का पद उन्हें दिया जाए, अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको तो बड़ा मुश्किल होगा राहुल गांधी के लिए पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके रखना। मान भी जाए तो शैलजा इकट्ठा रख पाएगी इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाती। अब शैलजा जो है क्यों नहीं जीत पाई छत्तीसगढ़ को, ये एक बड़ा सवाल है जो अब खड़ा होगा। शैलजा के साथ सबसे बड़ी कमी यह है कि वो इस बात पर यकीन नहीं करती कि किसी भी गांधी परिवार से इतर, गांधी परिवार से अलग किसी नेता की शख्सियत इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर सके। शैलजा नहीं जानती थी कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी खड़ी है वो भूपेश बघेल के साथ की वजह से खड़ी है, और वो वहां जाने के बाद से ही लगातार इस तरह से एक्ट कर रही थी जैसे कि भूपेश बघेल की विरोधी हूं, और स्थिति ये हो गई कि अंततः कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव हार गई। तमाम प्रचार प्रसार में बड़ा मनमाना किया कुमारी शैलजा ने, वहां के कांग्रेसी भूलते भी नहीं, तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तमाम तरह की आरोप लगे। यह दिगर है कि सोनिया जी की नजदीकी होने की वजह से यह बात सुनी नहीं गई पार्टी फोरम में। तो अच्छा, उत्तराखंड में भी बहुत सफल नहीं है कुमारी शैलजा, उत्तराखंड की प्रभारी बनाई गई, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक नाम निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा का है जिनको मंत्री बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर सकती है। तीसरा नाम रणदीप सुरजेवाला जी का है, चौथा नाम कहिए
रणदीप सुरजेवाला को भी मुख्यमंत्री बनाने का तो दावा भी पेश कर सके कर चुके हैं। संभावना है कि कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन दिक्कत है यहां पे, एक बड़ी पेच रणदीप सुरजेवाला के नाम पे। अगर रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री बन गए तो दीपेंद्र हुड्डा का सपना टूट जाएगा, क्योंकि कम से कम 10 साल मुख्यमंत्री रहेंगे वो, तो भूपेंद्र हुड्डा ये होने नहीं देगा कि रणदीप सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बनने दे, जबकि वो योग्य आदमी है। मैं मानता हूं कि रणदीप सुरजेवाला ने इतनी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, और लगातार वो कांग्रेस में बने रहे, छोड़ के नहीं गए, कहीं नहीं गए, और बहुत निष्ठावान रहे हैं। लेकिन अब पूरा चुनाव अभियान उनका अपने बेटे के इर्द गिर्द ही केंद्रित था, उनके बीच नहीं गए कि जाकर के पब्लिक के बीच जाकर के प्रचार प्रसार करें, बेहतर प्रचार प्रसार करें। लेकिन फिर भी एक बात तय है कि वो नई सरकार जो चुनी जाएगी उसमें उप मुख्यमंत्री बन जाए या फिर कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिल जाए, यह भी संभावना है। तो जो चौथा नाम है वो रणदीप सुरजेवाला का है। अगर पांचवें नाम की बात करें तो वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का है। लेकिन उदय भान जी में एक चीज मैंने देखी, गौर करी, मेरी बात भी उनसे हुई तो वो इस बात को दबे स्वर में ही सही मान भी रहे थे। दरअसल उन्होंने अपने आप की अपनी राजनीति पूरी पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के नाम कुर्बान कर दी है। वो ऐसा बहुत कम जगहों पे होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से पार्टी के किसी बड़े नेता के अधीन हो वो कम दिखता है, लेकिन दलित चेहरा है उदय भान। तो अगर कुमारी शैलजा का कोई विकल्प देखा जाएगा तो सबसे पहले उदय भान जी को देखा जाएगा। जीत भी रहे हैं इस बार होडल से, तो मुझे लगता है कि इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है कि उदय भान जी के नाम पर विचार किया जाए अगर कोई दलित चेहरे की जरूरत होगी। अब इन पांचों नाम के अलावा यह भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी किसी पांच से इतर किसी और को खड़ा कर दे। बिल्कुल हो सकता है, इस बात की यकीन मानिएगा कि राहुल गांधी से फोटो खिंचवा कर जो निकलने वाले लोग हो, जिस तरह से कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुआ, हो सकता है कि कोई एकदम से अननोन चेहरा हो। तो अगर ऐसा हो तो इस बात पे आश्चर्य मत करिएगा। फिलहाल अभी तो चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीति और देखने लायक होगी और मजा आएगा। देखते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, मिलते हैं फिर कल सुबह। नमस्कार।